हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, इस तरह के फनी वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो सिंपल करना क्या है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और इसे कुछ इस तरह से 15 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद ओके करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, सिंपल क्रोमा की पे क्लिक करना है और सिर्फ आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ, सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो कैसे शूट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल उसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो टिकटॉक एप्लीकेशन आपको ओपन हो जाएंगे और सेम उसी साउंड पे वीडियो को आपको शूट करना है और आपको वीडियो को प्राइवेट में अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उस वीडियो को आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ, इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। अब जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सिंपल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडो फेड आउट को ऑफ कर देना है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो टिकटॉक एप्लीकेशन से कैसे वीडियो शूट करना है तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सिंपल आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।